केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वाराणसी में गंगा पर नए रेल रोड पुल की परियोजना को स्वीकृति दिए जाने के क्रम में वाराणसी के गंगा किनारे वाले स्टेशन काशी का कायाकल्प होना भी शुरू हो गया है। इसकी भी पुष्टि कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने की। कमिश्नर कौशल राज ने स्वीकृत परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में जारी गतिविधियों को लेकर भी प्रकाश डाला। कमिश्नर ने बताया कि काशी स्टेशन के यार्ड की रिमॉडलिंग करके यहां भी एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट की जा रही है ताकि ट्रेन बहुत तेज गति से यहां आ सके। वाराणसी में गंगा नदी पर रेल रोड ओवरब्रिज बनाने के लिए भारत सरकार की कैबिनेट ने योजना को प्रस्तावित कर दिया है। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। वाराणसी के लिए एक बहुत ही अनूठा यहाँ पे रेल रोड कम ओवरब्रिज हमारा गंगा नदी पे बनने के लिए भारत सरकार की कैबिनेट ने प्रस्तावित कर दिया है और जल्दी ही उसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। वाराणसी और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, उनके बीच को जोड़ने वाली लगभग 14-15 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, उसी पे गंगा नदी जहां क्रॉस होती है वहां ये पुल नमो घाट के ऊपर बनना है। पूर्व से मालवीय सेतु जो लगभग 1884 का है वो पुराना हो चुका है, उसी के पैरेलल ये ब्रिज बनेगा। नायाब चीज इसमें यह है कि भारत का यह पहला पुल होगा जिसमें चार रेल की लाइनें एक साथ गुजरेंगी, किसी भी अन्य पुल में ये व्यवस्था नहीं है। साथ ही ऊपर के फ्लोर पे 6 लेन की सड़क यहां कनेक्ट करेगी नदी के दोनों छोर को। साथ ही उनकी रेलवे लाइन जो लगभग 14-15 किलोमीटर की होती है उन्हें भी 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा ताकि गाड़ियों की और मालगाड़ियों की यहां पे जो स्पीड है वो बढ़ सके। काशी रेलवे स्टेशन के यार्ड की रिमॉडलिंग करके वहां भी एक्स्ट्रा लाइन्स क्रिएट की जा रही है।